वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल इन अनदर व्लॉग। तो मुझे लगता है इस साल मैं बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल कर रही हूँ एंड दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ सीरीज विच इज़ ट्रैवल विद रॉन। आई हैव प्लान फ्यू ट्रिप्स ऑलरेडी एंड आई एल मेक श्योर टू टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेज, न्यू फूड, न्यू कल्चर एंड उस हिसाब से ट्रैवल विद रॉन बहुत सही बैठता है। सो राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, रांची रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन है फॉर दुमका एंड वी आर गोइंग टू अटेंड आवर कजन्स वेडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम फिलहाल दुमका पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरे पास एक स्टोरी है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी रात कुछ अच्छी बीती, क्योंकि इस टाइम हमारे साथ एक फैमिली ट्रैवल कर रही थी और वो आंटी जो थी शी वॉज़ वेरी लाउड। आई मीन कि जब वो कुछ अपने हस्बैंड से, अपने बेटे से कुछ मांग रही हो या पूछ रही हो तो वो इतनी तेज़ आवाज़ में बात कर रही थी मानो पूरा कोच उनकी आवाज़ सुन पाता। आई फेल्ट रियली बैड फॉर देम, क्योंकि उनकी फेशियल एक्सप्रेशन से ये बात पता चल रही थी दैट दे वर लिटिल बिट एम्बैरेस्ड। और मैं और मम्मी दूसरे को देखते रह गए और हम वेट कर रहे थे कि वो कब सोएंगे एंड देन वी वेंट ऑफ टू स्लीप। मोहनपुर के बाद और कुछ स्टेशंस हैं एंड देन वील रीच दुमका। ट्रेन टाइम पे है तो आई थिंक 7 or 7:30 तक हम दुमका पहुँच जाएंगे। A few hours later. हमें रिसीव करने बड़े पापा आए थे, सो ही इज़ माई डैड्स फ्रेंड। दे बोथ वेंट टू द सेम मेडिकल कॉलेज और अब तक इनकी दोस्ती कायम है। ही इज़ मोर लाइक अ फैमिली मेम्बर टू अस। और हमेशा बड़े पापा कहते थे कि क्यों नहीं आते हो दुमका, क्यों नहीं आते हो। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी एंड दिस टाइम वी वर वेरी एक्साइटेड एंड ही वॉज एक्साइटेड एज वेल टू शो अस हिज हाउस, हिज प्लेस। तो हम स्टेशन से निकलने के बाद उन्होंने कहा चलो तुम्हें दुमका दिखाएं। यहाँ तक पतझड़ी है, पतझड़ी इधर घर गए, पतझड़ी इधर भी थोड़ा बहुत बहुत कह रही है पतझड़ी का। ये आदिवासी लोगों का ही सब घर है। यहाँ हवाई अड्डा भी है, हवाई अड्डा आगे है। हवाई अड्डा आपको ठीक है, मेरा उतरता नहीं है चूंकि यहाँ आदमी साथ उतर नहीं है, लेकिन अच्छा ही है, करने लायक है, इतना बड़ा बना दिया गया। अभी देवघर में भी है ना, देवघर में तो उड़ान भरती होगी। हाँ, ये गुरुजी का मकान है, जिससे ये सरकारी आवास है या सरकारी आवास? नहीं भाई, अपना है, पूरा अपना है। यहाँ से सब कैंपस, यहाँ तक कैंपस कोई नहीं रहता है। जैसा लगता है Yeah।
रड़न रहो दुलर बनू तीन खान रवान रड़नों कान कासा घंटा से छांग छांगों कान बोतालीन हुई अकाना I'm gonna be